हे गाइस, दिस इज कमलेश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो को देख लिया, इस तरह का बॉय 82 वर्ड्स ऑफ स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो 100% समझ में आने वाला है। जो भी आपको स्क्रीन पे काइन मार्स एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा, बीच वाले फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और सबसे पहले एक वीडियो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सभी मटेरियल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और सभी से पहले वीडियो को देखने के बाद उन सभी को डाउनलोड कर। और गाइज, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गाइज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपको करने के बाद आपको वीडियो यहाँ पे आ जाएगा और आपको जो भी साइड में यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे तरफ एडिटिंग पे आ जाना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सेकंड पे क्लिक कर देना होगा और आपको बैक आ जाना होगा। यहाँ पे करने के बाद आपकी फोटोज आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो फुल स्क्रीन में यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और सबसे पहले जो भी आपके फोटोज है उन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने फोटोज को सेलेक्ट कर लिया, फिर से आपको यहाँ पे बैक आ जाना होगा। यहाँ पे जो भी अगल या फिर नेक्स्ट फोल्डर में आपकी फोटोज होगी उन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज, इस तरीके से आपको यहाँ पे 7 या फिर 8 फोटोज़ को सेलेक्ट कर देना होगा। कुछ इस तरीके से आपके भाई की फोटोज़ देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे जो भी ट्रांसफर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा जो, और आपको अपना डेटा ऑन करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, गेट मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक ट्रांसफर को डाउनलोड कर देना होगा, उसका नाम है सेकिट। यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सेकिट के नाम से वो मिल जाएगा। तो आपको इस पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे 4 फॉर्मेट मिलेंगे, उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्पीड आ रही है उसकी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना होगा यहाँ पे ट्रांसफर पे, और आपको फिर से सेकिट को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको सभी फोटोज के बीच में जो भी आपको ट्रांसफर दिखाई दे रहा है उन सभी में आपको इन सभी को सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका वीडियो पे परफेक्टली बन जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में। तो कुछ इस तरीके से मैं फिर सभी फोटो में इस तरीके से दे देता हूँ। तो गाइज, आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पे सभी में ट्रांसन दे दिया है, कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले साउंड को ऐड करना होगा, साउंड कैसे ऐड करना होगा, तो सबसे पहले लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और आपको मीडिया के ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद में मैं इसमें यहाँ पे एक और लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें यहाँ पे जो भी इसमें साउंड आएगा वो भी इसमें ऑलरेडी ऐड होगा। तो गाइज, उसको सबसे पहले डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से जो भी आप देख पा रहे हो माफिया के नाम से यहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा फुल यहाँ पे जूम किया, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना होगा। कुछ इस तरीके से स्क्रीन मैंने कर दिया है और आपको यहाँ पे इसको नीचे की तरफ यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रख देना होगा। बस आपको इतना काम कर देना होगा तो आपका वीडियो यहाँ पे इसमें साउंड भी ऐड हो जाएगा और इसमें यहाँ पे जो माफिया वाले यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट भी आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो को चलाकर आपको देखना होगा, तभी आपका वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन पाएगा। जहाँ जहाँ पे बीट आ रही है उस जगह पे आपको फोटो की यहाँ पे लंबाई को यहाँ पे इस तरीके से आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। तो गाइज, तभी आपका वीडियो परफेक्टली बन जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी स्मोक आ रही है इसमें उसको भी ऐड करना होगा। तो कहाँ से, आपको जहाँ से आपकी फोटोज स्टार्ट हो रही है उसी जगह से आपको स्मोक को ऐड करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे स्मोक वाली लेयर आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो देख पा रही हूँ, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। इसको आपको सबसे पहले देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे स्मोक आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ और आपको इसको जूम कर लेना होगा। इस तरीके से जूम कर लिया मैंने, जूम करने के बाद आपको फिर से उसी तरीके से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद स्क्रीन कर दीजिए। सॉरी, मैंने स्क्रीन करना भूल गया, फिर स्क्रीन मैंने कर दिया है। स्क्रीन करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मैं इसको कर लेता हूँ, आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज, आपने वीडियो को देख लिया, आपका वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन चुका है। कुछ इसी तरीके से आपका वीडियो बन जाएगा। अगर आपका वीडियो यहाँ पे बीट के हिसाब से मैच ना हो तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपको ट्रांजिशन दिया था इसकी स्पीड को आपको हाई कर देना होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2.0 पे सेलेक्ट मैंने किया है यहाँ पे, और नेक्स्ट वाले पे मैंने इसको देखूंगा तो यहाँ पे 2.0 पे आपको यहाँ पे कर देना होगा, तभी आपका वीडियो परफेक्टली बन पाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस फोटो को मैंने बड़ा किया और आपको यहाँ पे
ट्रांजिशन पे जाना होगा और इसको स्पीड को आपको इस तरीके से कर देना होगा, तभी आपका वीडियो अच्छी तरीके से मैच हो पाएगा। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पे जो बीट आ रही है उसी के हिसाब से इस वीडियो को आपको मैच करोगे तभी आपका वीडियो परफेक्टली बन पाएगा। तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक लाइक तो बनता है और आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।